इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, मुल्क के मारूफ दानिश्वर, नक्काद, और जहाँ जहाँ जिस जिस मुकाम के ऊपर आपने बात की है उसका अपना एक कद है, मयार है। और जब भी कभी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री लिखी जाएगी तो सर का नाम सबसे ऊपर होगा, जनाब हसन निसार साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। कैसे मिजाज हैं सर? तबीयत ठीक है? सर हाँ, हालात हमारे जो बन गए हैं इस वक्त पाकिस्तान के, मैं सबसे पहले आपका कमेंट लेना चाहूँगा कि एक लड़ाई चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, ये एक PDM जो 12-13 जमातों का टोला है उसके दरमियान, और फिर बीच में डिस्कस किया जा रहा है न्यूट्रल को कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट ऑन दिस कि ये न्यूट्रल है क्या भला, मेरी तो समझ से बाहर है सर। देखें, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं हमारे यहाँ पॉपुलर होती है, रॉकेट साइंस एक ज़माने में, आजकल चल रहा है नैरेटिव, फिर अब ताज़ा तरीन है ये न्यूट्रल वाला धंधा। ये लफ्ज़ों की बेहुरमती है इनको इस तरह देखना और इनको समझना। लफ्ज़ जो है वो एक पूरा जहान होता है। तो हसन साहब, आप बेसिकली न्यूट्रल को अलमास बबी या हिजड़ा कहना चाह रहे हैं? हीजड़े का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लफ्ज़ की साउंड भी ठीक नहीं है, अभी बदसूरत सा लफ्ज़। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ सर, ये एक रिलेटिव टर्म है। आप जिंदगी में कभी न्यूट्रल होते हो, कभी यू आर फोर्स्ड नॉट टू बी न्यूट्रल। अब उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ सर। मैं इस खानदान का सरबराह हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, दोनों बेटे मुझे बहुत अजीज हैं, मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन उनमें से कोई एक अगर मेरी तयशुदा हदूद या मेरे मायार जो हैं, जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं जिंदगी के, मोरालिटी के, अच्छाई के, बुराई के, अगर उसको वो ट्रेसपास करेगा, मेरी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी, ओवररूल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो रूल किसने करना? आई एम द बॉस, यू आर द बॉस। अच्छा, अब मैं तो एक हकीर सा आदमी हूं, रब्बुल आलमीन न्यूट्रल है बेशक, लेकिन जब उसने, अल्लाह माफ करे, किसी को जहन्नुम में धकेलना है तो वो न्यूट्रल नहीं रह गया। आपका मेरिट तराजू है हाथ में। हाँ, जज अच्छा अगर राशि ना हो, हमारे यहां तो मुहावरा है ना, वकील की करना है जज ही कर लो। जी जी, ठीक है। लेकिन जज अगर वाकई जज है तो वो न्यूट्रल है, फिर वो मेरा भी केस सुनेगा, आपका भी सुनेगा, और फिर न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो फैसला देगा। भाई नहीं रहेगा ना, फैसला देगा वो, या आपके हक में या मेरे हक में। अच्छा, अब ये जिंदगी की बेशुमार जो टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ हाल ये है कि आपके टॉप के लीडर्स के, आपके टॉप के एंकर्स के ना तलफ़ुज तक ठीक नहीं है। वेरी राइट। आपकी जो इमला होती, हिज्जे होते हैं, जो टिकर्स चलते हैं, वो मोस्टली 30-40% वो गलत होते हैं। ठीक है, आई एग्री। तो इसी तरह हम लफ्ज़ों की बेहुरमती है, हम रेप ऑफ वोकैबुलरी के बादशाह हैं। ठीक है, फलाना परहेजगार है। अच्छा, नमाज पंजगाना अदा कर, बाकी क्या करता है? हाजी साहब हैं, अल हाज हैं, एक से ज्यादा हज किए हैं, कम तोलता है, झूठ बोलता है, जखीरा अंदोजी करता है, क्या कोई भी लफ्ज। इसी तरह हुस्न, खूबसूरती, मैं आपको उसकी अजीबोगरीब मिसाल दूंगा। एक इंडियन एक्ट्रेस थी राखी, जो किताबी मायार है ना हुस्न का, वो उस पर पूरा उतरती थी, लेकिन वो बिल्कुल जैसे फीका सालन नहीं होता नमक के बगैर, नो अट्रैक्शन, परफेक्ट ब्यूटी। आपने अगर नहीं देखी तो देख लें। इस तरह बेशुमार बंदे हैं। दिलीप साहब सब कॉन्टिनेंट का जो सिनेमा है उसकी हिस्ट्री है 100+ ईयर्स। ऐसा हिंदुओं के एतबार से अगर आप बात करो तो देवता नुमा, खूबसूरत उसकी, अच्छा वजीह का, वो खूबसूरत नहीं थे, वजाहत, चमक, एक ऐसी शय जिसको आप कोई लफ्ज नहीं दे सकते, समझ ही नहीं आती।
कि व्हाट वाज सो अट्रैक्टिव, हमारे थे संतोष कुमार पाकिस्तान के अर्ली सुपरस्टार मेगास्टार, वो हुस्न का मुजस्मा थे, वो पॉपुलर भी थे, उनके पास दोनों चीजें थी, कशिश भी थी हुस्न भी था। हुस्न कशिश की अलाम बिल्कुल कशिश का सबूत नहीं है, दुनिया की बेशुमार सेलिब्रिटीज शोबिज की वो खूबसूरत नहीं है, अट्रैक्शन बेतहाशा। सो ये जो टर्म है ना, और ऐसे ही बेशुमार, मैंने खूबसूरती दूसरी मिसाल मैंने जी, अच्छा बहादुरी, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये डिपेंड करता है। न्यूट्रल एक लफ्ज है, हम गधों की तरह उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक कसीरुल जहती, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में कहेंगे, इसको मल्टा डायमेंशनल एक टर्म है, इसको किसी एक खाने में आप कैद नहीं कर सकते। कसीर जावियाती, ये रब्बुल आलमीन से लेके नीचे तक आप देखो, बर्फ क्या है, न्यूट्रल पानी, न्यूट्रल नहीं ना, बर्फ की शक्ल में होगा और कहानी है, बात एक है, वो जो भाप बनेगा और चीज है, और चीज है, पानी बनेगा और चीज है, तो वो कहां न्यूट्रल है कहां नहीं न्यूट्रल है।